उस 17 साल की नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पिता व 8 साल के मासूम भाई की कुल्हाड़ियों से मार करके हत्या कर दी थी। हत्या करने की खुशी इतनी थी कि वो अपने प्रेमी को किस करने लगती है और वहीं बगल में पड़े पिता की लाश और छोटे भाई की लाश के बीच में वो अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंध भी बनाती है। अब बड़ा सवाल ये कि उस 17 साल की लड़की ने अपने पिता व 8 साल के मासूम भाई की अपने प्रेमी के साथ मिलकर के हत्या क्यों की। नमस्कार, मैं हूँ देवव्रत पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज ऑन द वे। आज की जो सच्ची घटना मैं लेकर के आया हूँ वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में पड़ने वाले सिविल थाना क्षेत्र का मामला है। 15 मार्च 2024 को एक 17 साल की लड़की जिसका नाम रिया है अपने प्रेमी को अपने घर बुलाती है और उसके साथ मिल करके अपने पिता की हत्या करने लगती है। लगातार उस पर कुल्हाड़ियों से वार करती है। तभी इसी बीच उसका छोटा भाई जिसकी उम्र 8 साल है, नाम तनिष्क है, वो भी उस कमरे में पहुंच आता है और मंजर देख करके चीख पड़ता है और तुरंत जा करके लड़के का पैर पकड़ लेता है। लड़का यानी कि जो रिया का प्रेमी है, मुकुल है, रिया का भाई, उस मुकुल का पैर पकड़ लेता है, वो उसे रोकने लगता है। इसी बीच वो किसी भारी हथियार से उसके सर पे हमला करता है जिससे उसका भाई वहीं गिर जाता है और तत्काल उसकी मौके पे मौत हो जाती है। दोनों की मौत के बाद अब दोनों मिल करके, पहले की प्लानिंग तो उनकी ये थी कि दोनों लाशों को टुकड़ों में बांट करके ठिकाने लगा देंगे, लेकिन वहां फर्श पे इतनी बड़ी मात्रा में इतना ज्यादा खून फैल गया था जिससे दोनों की रूह कांप गई और वहां 1 मिनट भी रुकना इन लोगों ने उचित नहीं समझा। इसी बीच मुकुल ने रिया को एक सजेशन दिया कि तुमने रिलेटिव्स को व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करो कि पिता और भाई को किसी ने मार दिया है और आप लोग जल्द से जल्द घर पहुंचे। इस बीच मुकुल की प्लानिंग थी कि वो रिया को लेकर के निकल जाएगा जिससे उनके रिश्तेदारों को ये डाउट होगा कि लग रहा है ये किडनैपिंग का मामला है या किसी लूट का मामला है, जिसने हत्या की वो रिया को लेकर के भी निकल गया। अब जब रिश्तेदारों ने रिया का वॉइस मैसेज पाया तो सबके कान खड़े हो गए। उन्होंने तत्काल जबलपुर के सिविल थाना को सूचित किया कि ऐसा ऐसा मामला, मिलेनियम कॉलोनी थी उनकी जहां वो लोग रहते थे, हो गया है। पुलिस को एड्रेस नोट कराया। पुलिस जब वहां मौके पर पहुंची तो वो भी दंग रह गई। फिलहाल रिया के पिता राजकुमार की लाश वहीं फर्श पे पड़ी हुई थी और फर्श पे चारों तरफ खून ही खून बिखरे हुए थे। काफी तलाशने के बाद उनके छोटे भाई का कोई अता पता नहीं चला। इसके बाद अंततः पुलिस जब फ्रिज खोलती है तो फ्रिज में एक कपड़े में लपेटा हुआ उस 8 साल के मासूम का शव मिलता है। पहले तो पुलिस को लगता है कि ये किडनैपिंग या लूट का मामला है, जो हत्यारे यहाँ आए थे उन्होंने हत्या किया और रिया को भी अपने साथ लेकर के चले गए। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो उसमें रिया अपने प्रेमी के साथ बाइक पे बैठ करके जाती हुई नजर आती है। उसके साथ एक बड़ा सा बैग भी था, जिसे साफ जाहिर हो जाता है कि हो न हो रिया ने ही अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पिता और भाई की हत्या की थी। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि उन दोनों ने मिल करके आखिर पिता और भाई की हत्या क्यों की। अगर दोनों का आपस में प्रेम था तो वो नॉर्मली रिया को अपने साथ लेकर के वो कभी भी जा सकता था, उसमें हत्या करने की कोई नौबत नहीं थी या हत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, दोनों आपस में प्रेम करते थे। अब पुलिस लगातार इन गुत्थियों में उलझती चली जा रही थी कि आखिर वो रीजन क्या है जिससे उन दोनों को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। हत्या जैसे बड़े अपराध को दोनों ने मिल करके कार्य किया। अब लगभग 1.5 महीने बीत चुके थे, कहीं भी दोनों का पता नहीं था। पुलिस लगातार जगहों पे दबिश दे रही थी लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। बीते 31 मई 2024 की रात करीब 12 बजे एक लड़का जो मुंह पे गमछा लगाए हुए सिविल तेजी से थाने के अंदर घुसा चला आ रहा था। कुछ पुलिस वाले वहां बैठे हुए थे जो जग रहे थे और कुछ चेयर पे बैठ करके ऊंघ रहे थे। जब वो उस तरफ पड़ती है जो तेजी से थाने की तरफ थाने में अंदर घुसता चला आ रहा था तो लोग खड़े हो गए। उनको लग रहा है कोई बड़ा वारदात हो गया या कोई झगड़े उगड़े का मामला है जिससे काफी तेजी से आ रहा। वो सारे पुलिस वाले वहां एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि उसने अपना मुंह बांध रखा था एक गमछे से। जैसे ही वो थाने में प्रवेश करता है अपने चेहरे से वो गमछा हटाता है और कहता है मैं मुकुल।
है उसको पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन जब वो बताता है कि बीते 15 मार्च को जो मिलेनियम कॉलोनी में हत्या हुई थी वो मैंने ही किया था, इतना सुनते ही पुलिस वाले सुन्न पड़ जाते हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं। तत्काल आला अधिकारियों को इनकी सूचना दी जाती है कि जो मिलेनियम कॉलोनी में दो हत्याएं हुई थी उसका जो हत्यारा है वो थाने में आया है और वो स्वयं कन्फेस कर रहा है कि उसने ही वो हत्याएं कर रखी थी। तत्काल वहाँ मौके पे आला अधिकारी भी पहुंच जाते हैं, उस लड़के को हिरासत में ले लिया जाता है, वो उसे पूछताछ शुरू हो जाती है। पुलिस के अधिकारी उससे पूछते हैं कि अगर तुमको उस लड़की से प्रेम था तो तुम उस लड़की को अपने साथ लेकर के जा सकते थे, उसके पिता वो 8 साल के मासूम की हत्या करने की क्या आवश्यकता थी और ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी थी। तब मुकुल बताना शुरू करता है कि सितंबर महीने में मेरी और रिया की लगभग प्रेम कहानी 3 सालों से चल रही है, लेकिन ये बात उसके घर वालों को पता चल गया था जो उसको मंजूर नहीं था। उन लोगों को सितंबर में उसके घर वालों ने थाने में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, छेड़खानी के धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया, जिससे मैं जेल चला गया। जब मैं जेल चला गया तो मेरे दिमाग में वहीं से गूंजने लगा कि जिससे मैं प्रेम करता था उसने मेरे खिलाफ क्यों बयानबाजी की, छेड़खानी की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया और मुझे जेल भेज दिया। मैं जैसे ही छूट करके निकलूंगा 4 लोगों की हत्याएं करूंगा। पहले नंबर पे रिया के पिता थे, दूसरे नंबर पे रिया थी, तीसरे नंबर पे रिया का एक रिश्तेदार था जिसने इनकी काफ़ी मदद की थी मुकुल को जेल भिजवाने में, और चौथे नंबर पे वो महिला पुलिसकर्मी थी जो इस मामले की जांच कर रही थी। ये 4 लोगों की हत्या करने का इरादा उसके अंदर जेल के अंदर ही बन चुका था। जैसे ही वो जमानत से बाहर आया उसने जुगत लगानी शुरू कर दी कि कैसे इन लोगों की हत्या की जाए। इसी बीच सोशल मीडिया के माध्यम से रिया से उसकी बात होने लगी। फिर रिया ने बताया कि किस तरह से उसके घर वालों ने उसको टॉर्चर किया और उसके खिलाफ बयान देने पे मजबूर किया। अब मुकुल को बात समझ में आ गई थी कि इसमें रिया का कोई दोस्त नहीं है और घर वालों ने ही भड़का रखा था उसे। वो घर वालों के दबाव में आकर के मेरे खिलाफ बयान दी और मुझे उन लोगों ने जेल भिजवाया। अब उसके हत्या की लिस्ट से रिया का नाम कट चुका था, 3 लोग बचे हुए थे। वो रिया से कहता है तुम मुझसे मिलो और मैं तुम्हारे पिता से बदला लेना चाहता हूँ, वो हम दोनों के प्रेम के दुश्मन है, वो काफ़ी उसका ब्रेन वॉश करता है, लड़की नाबालिग थी, और कहता है जब भी अवसर मिले तुम फ़ोन करो। तो बीते 15 मार्च को वो मुकुल को फ़ोन करती है कि घर पे आ जाओ और अवसर अच्छा है। ये वहाँ पहुँचता है, हत्या को अंजाम देते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। जब ये मिलेनियम कॉलोनी से निकलते हैं तो वो कई सारे स्टेट्स में घूमते हैं, क्योंकि रिया जब अपने घर से निकली थी तो अपने पिता के एटीएम कार्ड्स, घर में जो नगद पड़े हुए थे या जो भी जेवरात वहाँ मौके में मौजूद थे वो सारा रिया अपने साथ ले गई थी, और लगभग 1.5 महीने तक इन्होंने खूब आनंद किया और कई राज्यों के अलग अलग शहरों में वो घूमते रहे। इधर हरिद्वार में रिया स्टेशन पे अकेली खड़ी थी, वहाँ जो ड्यूटी में पुलिसकर्मी तैनात थे, अब चूंकि वो देखने में भी काफ़ी छोटी लग रही थी, उम्र भी उसकी छोटी थी, लड़की को जब देखते हैं वो काफ़ी परेशान थी, इधर उधर टहल रही थी तो उसे पूछताछ करती है तो काफ़ी संदिग्ध लगती है। तत्काल उसकी गिरफ्तारी हरिद्वार रेलवे स्टेशन से कर ली जाती है। उसके बाद इसके जहाँ इसका निवास था वहाँ पड़ने वाले थाने पे जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि हत्या आरोपित है और अपने प्रेमी के साथ हत्या करके भागी हुई है। इधर जब रिया की गिरफ्तारी हो जाती है तो मुकुल भी बेचैन हो जाता है, उसको लगता है कि अब रिया उसके बारे में सब कुछ बता देगी और उसे फिर एक बार जेल होना पक्का है, जिस कारण वो भी लगभग 12 बजे रात को सिविल थाने पहुंचता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है और पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है और कन्फेस करता है कि वो हत्याएं उसने ही अपनी प्रेमिका के साथ मिल करके की थी। बहरहाल पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई नाबालिग लड़की इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती है। इतना ब्रेनवाश कर दिया जाता है कि वो अपने माँ बाप भाई तक को भूल जाती है, उनके प्रेम को भूल जाती है और हत्या जैसे जघन्य अपराध को भी कारित कर देते हैं। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या हर माँ बाप को अपने बच्चों की परवरिश में और
उनके ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो किससे मिल रहे हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, उनका उठना बैठना किन लोगों के साथ है और कैसे लोगों के साथ है। तो क्या इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी और भी रोचक खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन द वे को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।